पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया एक बाउल। बाउल में हम लोगों ने ऐड करनी है जो वेजिटेबल्स हम लोगों ने काटी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हम लोगों ने सारी वेजिटेबल्स एक ही बास्केट में इकट्ठी काट ली थी। सबसे पहले पालक है, ये आपको नज़र आती जाएगी वन बाय वन, पालक, आलू, पोटैटोस और ये अनियन, प्याज और ये हरा धनिया, ये चारों चीज़ें हम लोगों ने काट ली थी। आप देख सकते हैं ये पोटैटोस हम लोगों ने इस तरह काटे थे लंबे लंबे करके बारीक बारीक चिप्स के स्टाइल में। प्याज भी हम लोगों ने ऐसे बारीक काटा हुआ था, तकरीबन दो प्याज हम लोगों ने लिए हैं और तकरीबन आधी पालक की थी, और उसके अलावा हम लोगों ने दो से तीन आलू लिए हैं और हरा धनिया जितना आप मर्जी डालना चाहें वो आपकी मर्जी है। इस तरह ये सारी सब्जी हम लोगों ने काट ली थी बारीक बारीक। के अलावा सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करते हैं बेसन। बेसन हम लोगों ने छान लिया तकरीबन एक पाव, तकरीबन हम लोगों ने एक पाव के करीब हम लोगों ने बेसन ले लिया था। ये हम लोगों ने बेसन पहले छानना हुआ था इसलिए हम लोगों ने इसको मज़ीद छानने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम लोग डालते हैं इसमें स्पाइसेस। ये हम लोगों ने नमक ऐड कर दिया इसमें। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ, कुटा हुआ या पिसा हुआ जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने डाला है तकरीबन 1 स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया और तकरीबन 1 स्पून ही हम लोग इसमें डालेंगे साबुत धनिया। ये हम लोगों ने 1 स्पून इसमें डाल दिया है साबुत धनिया, ये पीसे बगैर हम लोगों ने डाला है, और रेड पेपर हम लोग अभी इस टाइम नहीं डालेंगे कि हम लोगों ने अभी इसमें ऐड करनी है। ये हम लोगों ने ग्राइंड किया हुआ था, ये आप देख सकते हैं हरी मिर्चों की पेस्ट है ये इसमें हम लोगों ने ऐड की है। सब्ज मिर्चें हैं और प्याज, इसमें एक प्याज हम लोगों ने डाला और साथ हम लोगों ने तकरीबन आधा पाव के करीब करीब तकरीबन हरी मिर्चें हैं जो हम लोगों ने इसमें ग्राइंड कर ली थी। इसके साथ हमारे जो पकौड़े हम बनाते हैं इतने सॉफ्ट बनते हैं, इतने मज़े के, और इतने आप देखेंगे इतने ज़बरदस्त हमारे पकौड़े बन के तैयार होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये आपने बनाए हैं। ये हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अभी हम लोग इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिर्चों में पानी था और पालक वगैरह में आपको भी आपको पता है पानी होता है, तो इस वजह से हम लोग इसको इसमें कुछ भी हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसमें ऐड कर दी हैं, जस्ट एक इसमें इंग्रेडिएंट रहता है वो हम लोग एंड पे आपको बताते हैं, वो इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इसमें डालेंगे तो आपके पकौड़े ऐसे तैयार होंगे जैसे मुंह में घुल घुल जाएंगे, इतने सॉफ्टनेस उसमें, इतनी क्रिस्पीनेस उसमें आ जाती है। तो वो हम लोग इसमें लास्ट में ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो मटीरियल हमारा है इसमें पानी है। अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो इस तरह हल्का सा हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी की तो हमें ज़रूरत नहीं है। पाव उठा के जितना आप इसको फेंटेंगे बेसन को उतने ही हमारे पकौड़े जो हैं मज़े के क्रिस्पीनेस उसमें ज़्यादा आएगी। इंग्रीडियंट हमारा है वो है सबसे अहम जो हम लोगों ने इसमें ऐड करना है, ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर आप ले लें या मीठा सोडा ले लें, दोनों में से जो चीज़ भी आपके घर में है इतनी सी बस आपने लेनी है, एक चुटकी या दो चुटकी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना है मिक्स। बस इतना सा प्रोसीजर था हमारा, ये अब हमारा मटेरियल हो चुका है रेडी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए डेस्क पर रखें तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए, फिर उसके बाद हम आपको फ्राई करके दिखाते हैं। ये हम लोगों ने इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दिया था। अभी आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर ऑल ऑटोमेटिकली पानी आया हुआ है, जो कि हमने आपको बताया था कि जब हम इसको बना के छोड़ देते हैं तो जो वेजिटेबल्स का पानी होता है वो उसके ऊपर आ जाता है। अब ये देख सकते हैं, तो हम इसको जरा मिक्स कर लेते हैं स्पून के साथ। ये देखो, ये अब हमने इसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था कि अब हम इसको डाल देते हैं ऑयल में। हो चुका है गर्म, इसमें एक पकौड़ा आप डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके नीचे फ्लेम जो है हम स्लो कर लेते हैं हल्की सी, ताकि अगर हम इसमें पकौड़े डालते हुए हमारे हाथ पे छींटे ना पड़े।
आप चाहें तो चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से डालने से ये है कि ज़्यादा इसका ज़रा अच्छा लगता है, इसकी लुक जो आती है, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करती हूँ हाथ से डालने को। लेकिन आपने बिल्कुल ऑयल के पास हाथ नहीं लेके जाना, इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है बिल्कुल। ये फौरी तौर पे हम लोगों ने इसमें चम्मच नहीं चलाना, ऐसे साइडों से हम लोग इसको अंदर कर देते हैं और इसको ज़रा भी एक साइड से होने देते हैं। फिर हम इसको ये बल्कि देख सकते हैं आप, ये रेड होना शुरू हो गए हैं, ये देखिए, क्योंकि ऑयल फुल गर्म था हमारा, इसलिए हम इसको ज़रा हिला देते हैं ताकि ऊपर नीचे से इसका एक जैसा इक्वल कलर आए, इसलिए हम कर देते हैं साइड चेंज। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया इसके ऊपर। बस ये हल्का सा और मजीद कलर आएगा तो हमारे पकौड़े बिल्कुल हो जाएंगे रेडी बन के तैयार। फिर हम इसको निकाल लेते हैं जरा। ये हमारे जबरदस्त से सॉफ्ट एंड क्रिस्पी जबरदस्त मजेदार पकौड़े बन के हो चुके हैं रेडी। ये आप देख सकते हैं ये इसकी फाइनल लुक। ये इसमें पोटैटोज भी नजर आ रहे हैं, अनियन भी नजर आ रहा है, पालक तो आपको नजर आ ही रही है। ये साथ हमारा रायता, जबरदस्त सा मिंट रायता। ये इसकी क्रिस्पीनेस मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस। एक मिनट, ये देखें इतना जबरदस्त सॉफ्ट क्रंची क्रंची, ये आपको पता लग रहा हो ना, इतने जबरदस्त से हमारे बन के हो चुके हैं रेडी। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मजेदार से पकौड़े बनाइएगा, साथ साथ खाइएगा, साथ साथ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा, इसको भूलिएगा मत। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये बिल्कुल हो चुके हैं हमारे पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं, कलर बहुत अच्छा इन पे आ चुका है, इससे ज़्यादा हम लोगों ने इसका कलर डार्क नहीं करना। ये अब हम लोग इसको डिश आउट करते हैं और फिर निकाल के डिश आउट करके हम बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाते हैं।